हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको टावर का स्टेटस नज़र आ रहा है। जहाँ 2 लिखा गया है वहाँ टावर बहुत ही कम है, जहाँ 3 लिखा गया है वहाँ पर थोड़ा सा है, 5 पर पूरा टावर है, 4 पर थोड़ा सा उससे कम है। ये कैसे हुआ इसी के बारे में बताऊंगा, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना होगा, यहाँ से जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा कहाँ, होम टैब में मिलेगा, ठीक है। होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है आइकन सेट। इस आइकन सेट पे जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टावर्स नजर आएंगे, तो इन्हीं टावर्स में से एक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ड्रैग करवा दीजिएगा इसको, ठीक है। ये ड्रैग करवा देंगे, अब यहाँ कुछ मैं लिखता हूँ, लाइक यहाँ पर लिखता हूँ 1। जैसे ही 1 लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से टावर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करवा देता हूँ नीचे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे 1 ना लिख करके लिखूंगा 2, ठीक है। तो 2 जैसे ही लिखता हूँ मैं, तो ये देखिए ये यहाँ पर टावर इसका कम हो गया, ये जो है एकदम टावरलेस हो गया, यानी यहाँ पे टावर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये 3 कर दिया मैंने, तो 3 करने पर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टावर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 4 कर देता हूँ तो और इस तरीके से ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। इस तरह का अगर आपको बनाना हो तो आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है।